महज 8 साल की उम्र में सिक्स पैक है और वो भी एक लड़की के। ओ माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा विश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले नाहरू खान जी, जो कि सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़े हुए हैं, उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के 3 दिन के अंदर फुल बॉडी सैनिटाइज करने वाली ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बना डाली। इनफैक्ट ना सिर्फ उन्होंने मशीन बनाई, ये मशीन उन्होंने इंदिरा गांधी अस्पताल को दे भी दी, जो कि सिर्फ 3 सेकेंड में पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर डालती है। सो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नाहरू खान जी के इस कंट्रीब्यूशन को मैं दिल से सलाम करता हूं। 2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेकर जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा, तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया ये नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा। ये घटना है जनवरी 2020 की, जब पाकिस्तान के लाहौर में लोगों में तब डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्होंने आसमान में एक बड़ा सा उड़ता काले रंग का छल्ला देखा। कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद ये कोई शैतानी बादल है, तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये कोई एलियन एक्टिविटी है। यही सेम काला छल्ला इंग्लैंड में भी देखने को मिला और यही सेम काला छल्ला कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये आग से निकले काले धुएं की वजह से बना हुआ हो सकता है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना था कि जब ये छल्ला दिखा तो आग लगने की कोई घटना हुई ही नहीं थी। तब ये क्या है गाइस? बहुत सारी इस धरती पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अपने फैंस की दीवानगी के चलते हर बड़ी सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, पर अगर बात सलमान भाई की सिक्योरिटी की आए तो शायद हमें सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है शेरा। गाइस, बॉलीवुड में शेरा सबसे फेमस बॉडीगार्ड्स में से एक है। सूत्रों के अनुसार वो पूरे साल भर के 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात प्रोफेशनलिज्म से थोड़ी अलग है। जहां शेरा एक और कहते हैं कि सलमान भाई उनके लिए सब कुछ है और वो जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे, वहीं सलमान भाई भी शेरा को और अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और सलमान भाई ने बॉडीगार्ड नामक अपनी एक मूवी अपने बॉडीगार्ड को समर्पित भी की थी। गाइस, तो सलमान भाई और शेरा के इस रिलेशनशिप के लिए एक हार्ट तो बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है, ओ माय गॉड, पर ये सच है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके पहले तक यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का था, जहां की सिटिंग कैपेसिटी 1,00,000 थी। इसकी खास बात यह है कि ये 63 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, मतलब एक समय पे 4-4 क्रिकेट टीमें एक साथ यहां पर ठहर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बारिश हो गई तो यहां पर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू इस मैदान को 30 मिनट के अंदर फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू और अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यस, प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। गाइस, इस वीडियो को देख के मेरा दिल पसीज गया है, सच बता रहा हूं। कोरोना से लड़ने के लिए और इन मरीजों की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स लोग अपनी जान हथेली पे रख के पूरे दिन अपना फर्ज निभा रहे हैं। पूरे दिन मास्क पहनना पड़ता है और उसके बाद जब उसको निकालते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। हमें कोरोना ना हो इसके लिए घर पे बैठने को गुजारिश की गई, कहा गया, लेकिन हम लोग हैं कि टिकते ही नहीं। घर पे बैठिए ताकि इन डॉक्टर्स लोगों को भी अपने घर जाने का समय मिल सके। कोरोना के पेशेंट कम होंगे तब तो ये लोग घर जा पाएंगे। समझिए, घर बैठिए।